वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है चैप्टर उसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप नीट OUET मेडिकल एंट्रेंस के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो कि एक मेल गैमेट है, ह्यूमन का मेल गैमेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका पार्ट्स क्या है, ये सब हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है उसके अंदर स्पर्माटोजेनेसिस होता है और स्पर्म फॉर्मेशन होता है। आज हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म आर टिनी माइक्रोस्कोपिक एक्टिव मोटाइल एंड थ्रेड लाइक अपीयरेंस। तो स्पर्म जो है बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में ही इसका ये दिखाई देता है। ये एक्टिव है मतलब मूवमेंट करता है क्योंकि इसका एक फ्लाजिला है, और मोटाइल है और थ्रेड लाइक अपीयरेंस। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रक्चर है स्पर्म का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर वेरी करता है, लेकिन ह्यूमन का जो स्पर्म होता है उसका एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, टार्टपोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका डेफिनाइट हेड, मिडिल, फेस, नेक, टेल, ये सब होता है। आगे हम उसका पार्ट सब देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पर्म, टिपिकल स्पर्म कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल फेस, टेल। ह्यूमन स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोन लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ह्यूमन स्पर्म का जो लेंथ है वो 16 माइक्रोन है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है स्पर्म का, आप देख सकते हैं इसका जो हेड पार्ट है वो थोड़ा ग्लोबुलर है, ओवल सब स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस है और टिप में एक्रोजोम प्रेजेंट है, और नेक रीजियन बहुत प्रिसाइज है जहाँ पर सेंट्रियोल रहता है, दो सेंट्रियोल जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, उसका रोल भी डिस्कशन करेंगे। और एक पार्ट है इसका जो है वो है मिडिल पीस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका जो टेल है ये लार्जेस्ट पार्ट है जिसको फ्लाजिलम भी बोलते हैं, और यहाँ पर भी सेंट्रियोल होता है। हम एक एक करके देखेंगे पार्ट्स, अभी हम स्टडी करेंगे हेड के बारे में। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म इज राउंडेड और ओवल शेप कॉल्ड हेड। तो हेड जो है वो एंटीरियर पार्ट में होता है, ये तो आपको मालूम है, और ये ओवल और स्फेरिकल राउंडेड शेप होता है। हेड इज कंपोज ऑफ ए लार्ज न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम। ये जो एक्रोजोम है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस इज हैप्लॉयड क्योंकि ये मेल गैमेट है और गैमेट का न्यूक्लियस हैप्लॉयड मतलब एन होता है। मेंचर्ड द कॉम्पैक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत कंडेंस होता है क्योंकि बहुत बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसलिए कंडेंस जो कॉम्पैक्ट होकर रहता है साइटोप्लाज्म उसको मेंचेट बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका एक्रोजोम का बारे में थोड़ा देखेंगे। द एक्रोजोम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द हेड, इट इज़ मेड अप ऑफ गॉल्गी बॉडी। याद रखो एक्रोजोम गॉल्गी बॉडी से बनता है। द एक्रोजोम सीक्रेट्स स्पर्म लाइसिन लाइक हाइलोनिडेज एंजाइम। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक है जो कि एक्रोजोम सीक्रेट करता है। जनरली एक्रोजोम तो गॉल्गी बॉडी से बनता है और गॉल्गी बॉडी में लाइसोजोमल वेसिकल्स होते हैं जो कि हाइलोनिडेज एंजाइम सीक्रेशन करते हैं। इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू द ओवम बाय डिजॉल्विंग द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन टाइम में एक्रोजोम से हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम रिलीज होता है जो कि ओवम का वॉल को पेनिट्रेट करके स्पर्म को एंट्री करने में हेल्प करता है। एक्रोजोम पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन टाइम में एक्रोजोमल रिएक्शन भी होता है जो कि सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। अब हम नेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिलो द हेड नेक प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स, एक को बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा का नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये टुवर्ड्स द हेड होता है और इसका मेन फंक्शन है क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट बनने के बाद इसका जो फास्ट क्लीवेज डिवीजन होता है ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल करता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये टुवर्ड्स द मिडिल पीस रहता है जिसको नेक रीजन बोलते हैं, और ये एक्जियल फिलामेंट फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है जो कि एक्जियल फिलामेंट टेल के अंदर होता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। याद रखना है आपको सेंट्रियोल एब्सेंट इन ओवम, इसलिए स्पर्म का सेंट्रियोल ही जाइगोट का डिवीजन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है मिडिल पीस।
Middle phase is consist of compact mass of mitochondria. It provides energy for the movement of sperm. The powerhouse of the sperm thus represent the middle phase. Never can the mitochondria of sperm. ये जो middle phase है इसमें mitochondria होता है जिसको never can कहते हैं क्योंकि स्पाइरली कॉइल्ड होकर रहता है. ये पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को फॉर द लोकोमोशन. इसलिए पावर हाउस ऑफ द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं या फिर मिडिल फेस को बोलते हैं. जो नेबनकेन पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. अब हम देखेंगे टेल. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म. स्पर्म का सबसे बड़ा पार्ट है टेल, इसको फ्लाजिलम भी बोलते हैं. इट कंटेन्स सेंट्रल एक्जियल फिलामेंट विथ 9 फ्लॉस 2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स. इसका जो फ्लाजिला का जो एक्जोनिम है ये 9 प्लस 2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स है, मतलब बीच में 2 माइक्रोट्यूबल्स एंड सराउंडिंग में 9 माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है. ये जो माइक्रोट्यूबल्स सब है ये अराइज होता है डिस्टल सेंट्रियोल से, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपको. लोकोमोशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन द लिक्विड मीडियम बाय ऑंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ टेल. टेल का मूवमेंट होने से स्पर्म का लोकोमोशन होता है लिक्विड मीडियम में, ये चीज़ आपको याद रखना है. अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द ह्यूमन मेल, ये मेल का स्पेलिंग या थोड़ा गलत लिखा है, एम एल ई होगा, एम ए आई एल नहीं, मेल तो अलग हो जाएगा तो थोड़ा इसको चेंज कर देना. द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कोइटस. फ्रॉम नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% स्पर्म शो विगरस मोटिलिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्पर्म का जो मोटिलिटी है एटलीस्ट 40% स्पर्म मोटाइल होना चाहिए फर्टिलिटी के लिए. अगर 40% से कम है तो इनफर्टाइल केस आ जाएगा. ह्यूमन स्पर्म सर्वाइव 3 to 4 days इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. 3 कंडीशन यहाँ पर मैं दिया हूँ, उसको ठीक से याद रखो. एक है आजोस्पर्मिया, मतलब सीमेन में अगर कोई भी एक भी स्पर्म नहीं है उसको आजोस्पर्मिया बोलते हैं. सेकेंड में है ओलिगोस्पर्मिया, मतलब फ्यू स्पर्म इन द सीमेन, बहुत ही कम 2, 3, 4, 5 ऐसा स्पर्म होगा तो ओलिगोस्पर्मिया. थर्ड वन इज़ टेराटोस्पर्मिया, मतलब अबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन. ये 3 कंडीशन में इनफर्टिलिटी दिखाई देता है मेल केस में. अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन देखो, नेवर कैन इज ए पार्ट ऑफ डैश. ये आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्या होगा नेवर कैन किसका पार्ट है, पॉइटस का, ग्राफियन पॉलिकल का, ह्यूमन ओबम का या फिर ह्यूमन स्पर्म का. सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय मेंचेट. मेंचेट कौन सा पार्ट को कवर करता है. ऑप्शन है पोस्टेरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, नेक, मिडिल फेस ऑफ स्पर्म, ऑल ऑफ दिस. इसका आंसर भी आपको बताना है. थर्ड वन इज द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन मिडिल फेस ऑफ स्पर्म इज नोन एज डैश. इसका आंसर भी आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ पर है. तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए. तो आज के लिए इतना ही, देखेंगे, मैं रहता हूँ. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.